आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा कमाल का टूल जिसके जरिए आप किसी भी पर्सन का ईमेल फाइंड कर सकते हैं और किसी भी पर्सन का कंपनी नंबर या मोबाइल नंबर दोनों फाइंड कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीब जावेद और आप देख रहे हैं मुनीब जावेद यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारे डाटा एंट्री एंड लीड जनरेशन कोर्स की क्लास नंबर 10 है और जैसा कि आपको पता है कि हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बिल्कुल बिगनर के लिए और इसमें हर चीज आपको जो है वो डिटेल से समझा रहा हूँ। कंपनीज कैसे फाइंड करनी है, कंपनीज का डाटा कैसे फाइंड करना है, पर्संस का डाटा कैसे फाइंड करना है, ए टू जेड सारी चीजें मैं फर्स्ट क्लास से लेकर क्लास नंबर 10 तक आप लोगों के साथ शेयर करता आया हूं और आप लोगों को समझाता आया हूं और आई होप कि आपको समझ भी आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारे एक टूल के बारे में स्पेशल जिसके जरिए हम किसी भी पर्सन का ईमेल फाइंड कर सकते हैं और ईमेल फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कुछ एक्सटेंशन शेयर की थी जो कि आपको ईमेल देते हैं, लेकिन इस टूल की खास बात यह है कि यहां से आप जो है वो किसी भी पर्सन का कंपनी नंबर और फोन नंबर दोनों फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से और बिल्कुल फ्री में और बहुत ही कमाल का टूल है और आप इसको हजारों क्रेडिट कैसे यूज कर सकते हैं और ये तरीका भी आज की इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे तो ये पेड टूल है लेकिन आपने इसको कैसे यूज करना है वो मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बिना आपके टाइम जाया कि चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ और आपको इस कमाल के टूल के बारे में बताता हूं कि कैसे आपने किसी भी पर्सन का फोन नंबर और किसी भी पर्सन का ईमेल एड्रेस इस टूल के जरिए से फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मेरे पास वही टूल ओपन है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या मैंने ओपन किया हुआ है। तो मैं सिंपल आपको पहले स्टार्टिंग से तरीका समझा देता हूँ कि कैसे आपने इस टूल को ओपन करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस टूल पे आ जाएंगे और उस लिंक का फायदा ये होगा कि आपको 100 क्रेडिट जो है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो नॉर्मल क्रेडिट ये लोग दे रहे हैं वो है 10 क्रेडिट। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं और मेरा जो कूपन कोड यूज करते हैं जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आपको 100 क्रेडिट फ्री में मिल जाएंगे जिसके जरिए आप 100 लोगों का डाटा बिल्कुल फ्री में जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। इस टूल का वैसे नाम है seamless.ai, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ओपन करना है, ये इसका वेब ओपन हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपका योर वर्क ईमेल पूछ रहा है, आप लिंक्डइन के साथ, फेसबुक के साथ और गूगल के साथ भी इसको साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन अप यूजिंग गूगल कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो इसलिए मैं दोबारा से अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहा। मैं मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएट है लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं है, आप यहाँ से आगे कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं और यहाँ से आपको आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा लिंक से आएंगे तो मेरा वहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछेगा, तो आपने ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया हुआ है ये दे देना है ताकि आपको जो है वो क्रेडिट मिल जाए। अगर आपको क्रेडिट नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको 10 सर्चिज ही मिले, तो आप जो है वो वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे जब आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा। यहाँ पे सबसे पहले सर्च बार, कॉन्टैक्ट, कंपनीज, लेदर बोर्ड और बल्क रिसर्च, जॉब चेंजेस, सेल्स फिक्स, ये कुछ इसके साइड बार में आपको चीज़ें नजर आएंगी। और उसके बाद जो है वो ऊपर अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट, कंपनीज और टीम, बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट की तो आप जस्ट यहाँ से कॉन्टैक्ट का डाटा फाइंड कर सकते हैं, मतलब किसी भी सिंगल पर्सन के ईमेल, उसके फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसके सोशल आइकन्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट रिसर्च में आके, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हम मैं फाइंड करके भी दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आप समझते जाएं, पहले चीजें समझ लें, ठीक है। अब दूसरी चीज है यहाँ पे कंपनीज, यहाँ पे आके आप कंपनीज का डाटा फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिक कंपनीज का डाटा फाइंड करना चाहते हैं, उसका ईमेल, उसका फोन नंबर और उसके बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी सारी चीजें, तो आप यहाँ से आके इन फिल्टर को यूज करते हुए उनको फाइंड कर सकते हैं। फिल्टर को यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन इनके पास आ रहा है TAM का, ठीक है। यहाँ से आप मतलब पर्सन और कंपनी दोनों का डाटा एक साथ, मतलब
एक पर्सन जिस कंपनी में काम कर रहा है आप उस पर्सन का डाटा भी आ जाएगा, उस कंपनी का डाटा भी आपके पास आ जाएगा, मतलब दोनों चीजों का डाटा कंबाइन आपके पास आप मिल जाएगा और आप इस तरह से आसानी से किसी भी पर्सन का और उसकी कंपनी का डाटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक स्पेसिफिक पर्सन का या मैनेजर्स का डाटा चाहिए, मुझे अब फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स का डाटा चाहिए, मैं यहाँ पे टाइटल्स में आके सर्च करता हूँ MANAGER मैनेजर्स। ठीक है, उसके बाद मैं सर्च करता हूँ कि किस कंपनीज के मुझे मैनेजर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ Amazon। ठीक है, कि Amazon के मैनेजर्स का मुझे डाटा चाहिए, उनके फोन नंबर, उनके बाकी चीजें सारी चाहिए। अब यहाँ पे आप एक और फिल्टर यूज कर सकते हैं, उसका कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन का मतलब सिंगल उसी पर्सन का डाटा चाहिए, जैसे जो बिल गेट्स का चाहिए, जेफ बेजोस का चाहिए, एलन मस्क का चाहिए, तो आप यहाँ पे आके उसका नेम भी लिख सकते हैं, उसकी आप फिर ये करेंगे कि उसका टाइटल लिखेंगे, उसकी कंपनी लिखेंगे, और उसका जो है वो कीवर्ड अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे, तो उस एग्जैक्ट पर्सन का आपके पास डाटा आ जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ जस्ट ओवरऑल मैनेजर जो कि अमेज़न के मैनेजर हैं उनका डाटा चाहिए, तो मैं यहां पे Amazon के मैनेजर में टाइटल में मैंने मैनेजर लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे कंपनीज में Amazon सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास सारा रिजल्ट आ चुके हैं और ये कुछ पेजेस भी ओपन हो रहे हैं, जितने भी Amazon के मैनेजर थे वो मेरे पास उनका डाटा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कह रहा है कि आपके पास 10 क्रेडिट्स हैं, अब मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया था तो मेरे पास जस्ट ये 10 क्रेडिट्स हैं, लेकिन मैंने आपको अपना इन्विटेशन कोड भी और अपना कूपन कोड भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसके जरिए जाके इसको लॉगिन करते हैं, ज्वाइन करते हैं मेरे कूपन कोड के जरिए, तो आपको 100 क्रेडिट्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, मतलब कि आप 100 लोगों का डाटा जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और आपने हजारों लोगों का डाटा कैसे फाइंड आउट करना है फ्री में, वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लास्ट में ये टिप जो है वो मजे की टिप आपको दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि अब मैंने ये पहले सर्च किया हुआ था, अब यहाँ पे दूसरा सर्च करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, इसका नेम आ रहा है, उसका टाइटल आ रहा है, उसके बाद उसकी कंपनी आ रही है, उसका ईमेल आ रहा है, उसका फ़ोन नंबर आ रहा है, और अब फ़ोन नंबर में मजे की बात ये कि उसका कंपनी फ़ोन नंबर भी आ रहा है, उसका पर्सनल फ़ोन नंबर, दोनों फ़ोन नंबर आपको ये चीज़ ये टूल जो है वो दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसकी लोकेशन आ रही है और यहाँ पे सारे उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, लिंकडिन पर क्लिक करके इसका लिंकडिन ओपन हो जाएगा, उसके बाद CRM, उसका फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीजें आपके पास ओपन हो जाएंगी। अब आपने सर्च किया, ये पर्सन आ गया, अब जस्ट आपने फाइंड पे क्लिक करना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारा डाटा ओपन हो जाएगा। मैंने पहले यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कर लिया तो इसलिए ये पहले से शो हो रहा है, नहीं तो आपके पास कुछ इस तरह की चीजें, इस तरह का डैशबोर्ड होगा और जिस पर्सन का आपको डाटा चाहिए होगा आपने फाइंड पे क्लिक करना है, और फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारा डाटा जो है ये ओपन करके रख देगी और फोन नंबर, ईमेल, हर चीज आपको ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखेंगे इस कंपनी, इसका ईमेल, इसका दोनों फोन नंबर, इसका अब इसकी कंपनी का एड्रेस कौन सा है और इसके पर्सनल एड्रेस कौन सा है, वो भी दोनों चीजें आपको बता। तो है ना कमाल के एक्सटेंशन, इस पे लाइक भी बनता है, कमेंट भी बनता है और शेयर भी बनता है, जो कि आपने करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड टैब की के कंपनीज का डाटा आपने कैसे फाइंड करना है, तो फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपको कोई भी इंडस्ट्री दे देता है, फॉर एग्जांपल वो देता है आपको जी अकाउंटिंग के रिलेटेड, अकाउंटिंग की इंडस्ट्री दे देता है कि मुझे अकाउंटिंग के रिलेटेड कंपनीज उनका डाटा चाहिए, और भी कुछ फिल्टर दे सकता है, फॉर एग्जांपल के यहां पे उसमें कितने जो है वो इम्प्लॉयज़ होने चाहिए, उसमें जो है इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना होना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए और उसकी टेक्नोलॉजीज़ क्या होनी चाहिए, कंपनीज नेम क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनीज का डाटा फाइंड कर रहे हैं तो जस्ट आपने कंपनी और वेबसाइट, अगर उसकी डोमेन मिल जाती है या कंपनी का नेम आपको पता है तो आपने वही आगे डायरेक्टली सर्च कर लेना है और आपके पास उस स्पेसिफिक कंपनी का डाटा आ जाएगा। और अगर आप किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कैटेगरीज की कंपनीज फाइंड करना चाहते हैं, फॉर अकाउंटेंट की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके बाद आप हेल्थ केयर के रिलेटेड, रियल एस्टेट के रिलेटेड जो भी कंपनीज फाइंड करना चाहते हैं, आपने जस्ट यहाँ पे आके फिल्टर यूज करना। जैसे मैंने अकाउंटेंट की कंपनी, अब मैं एम्प्लॉय साइज यहाँ से फाइंड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसमें जी 51 से 200 एम्प्लॉयज होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट फिल्टर यूज करते हैं एस्टिमेटेड रेवेन्यू उसका कितना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि 0 to 1K होना चाहिए, 100K होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन आप फाइंड कर सकते हैं।
अच्छा सर्च में आके वो आपसे आप पूछ रहा है कि ऑल लोकेशन होने चाहिए कि ऑल यूएस होने चाहिए, नॉन यूएस होने चाहिए, तो आपने यहाँ पे सर्चिज भी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्च कर सकते हैं कि किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हो, क्या फेसबुक और वेबसाइट हो, फॉन्ट हो, उसमें गूगल एनालिटिक्स हो, तो यहाँ पे ये भी आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी नेम भी फाइल कर सकते हैं और कीवर्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, इस तरह की कंपनीज हो। लेकिन यूज जो होने वाले फिल्टर होते हैं वो ये फर्स्ट थ्री होते हैं कि इंडस्ट्री कौन सी हो, एम्प्लॉय साइज क्या हो, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कौन सा हो और उसकी लोकेशन क्या हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यही कंपनीज, आप अगर कोई कंपनी होंगी इस तरह की तो आ जाएंगे, नहीं तो ये कहेगा मेरे पास इसका रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर क्लियर करता हूँ, जस्ट यहाँ पे ये क्लियर कर दिया और अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं कि अब ये हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आपने फाइंड कर लेनी कंपनीज और यहाँ पे फाइंड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कंपनीज की डिटेल्स आ जाएंगी, उनका जो है फोन नंबर, उनका जो है वो बाकी सारी चीजें। मैं यहाँ से फाइंड पे क्लिक करता हूँ और रिसर्च करके ये मुझे सारी चीजें फाइंड आउट करके दे देंगे कि भाई ये कंपनी है, ये उसका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उसका ईमेल नंबर है, ये फोन नंबर है, ये लोकेशन है, ये सारी चीजें। ठीक है ना, इसी तरह आपने यहाँ पे आके फाइंड कर लेनी है। और इसी तरह अगर मैं थर्ड पे करूँ टीम पे, मैं यहाँ पे मैनेजर सर्च किया, अब सीनियरिटीज, उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद अब यहाँ पे आप दोनों पर्सन की डिटेल पहले देंगे, उसके बाद कंपनी की डिटेल देंगे, यहाँ पे लोकेशन देंगे, एम्प्लॉय साइज देंगे, एस्टिमेटेड रेवेन्यू देंगे, नेम देंगे, कीवर्ड देंगे और सर्च करेंगे और आपके पास ये सारा डाटा काला चिट्ठा जो खुल के ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से किसी भी पर्सन का फोन नंबर और उसका जो है वो बाकी सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे कमाल का टूल और एक मजे की बात कि आपने इसको अब आप क्रेडिट ज्यादा कैसे करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपने सर्च तो कर ली, लेकिन आपके पास जब 10 सर्चेस कंप्लीट होगी तो आपने अब नेक्स्ट यहाँ से कैसे पर्सन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास 10 क्रेडिट्स होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आपने नेक्स्ट कैसे क्रेडिट्स को बढ़ाना है, ज्यादा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गेट फ्री क्रेडिट्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें गेट अप टू 10,000 फ्री क्रेडिट बाय इन्वाइटिंग यूर नेटवर्क टू सेल्स seamless.ai। अब यहाँ पे we will give you 100 free credits and your friends 100 free credits per sign up। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इन्वाइट किया, आपने मेरे कोर्स से ज्वाइन किया, आपको भी 100 credits मिलेंगे, मुझे भी 100 credits मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अगर 10 अपने दोस्तों को इन्वाइट करते हैं तो आपको कम से कम जो है वो 1000 credits मिल जाएंगे, जो कि